नई सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 71 मंत्रियों का मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है। पिछले कार्यकाल में बेहतरीन काम करने वाले मंत्रियों को फिर से पुराने विभाग दे दिए गए हैं। विदेश मंत्री की भूमिका में एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर नजर आएंगे। पीएम मोदी ने उन्हें विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। वहीं रेल मंत्री की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को ही सौंपी गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कैबिनेट का गठन होने के बाद सोमवार को पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर दिया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई मंत्रियों के विभागों को दोहराया गया है, जबकि कुछ के मंत्रालय बदले गए हैं। मोदी 3.0 में कई पुराने मंत्रियों पर सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। विदेश मंत्री की भूमिका में एक बार फिर से एस जयशंकर नजर आएंगे। पीएम मोदी ने उन्हें विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर साउथ ब्लॉक पहुंचे और कार्यभार संभाला। इसके साथ ही वो बतौर विदेश मंत्रालय में लगातार दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले देश के पहले विदेश मंत्री भी बन गए हैं। आजादी के बाद कोई भी व्यक्ति विदेश मंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाया। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने भारतीय कूटनीति का एक बहुत ही तेज तर्रार लेकिन बेहद व्यवहारिक चेहरा पेश किया। इससे तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत के हितों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सका है। आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हम ये भी हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। मोदी सरकार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विभाग में भी कोई बदलाव नहीं किया। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर से रेल मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, IT मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव साल 2021 में पहली बार मोदी 2.0 में मंत्री बने थे। साल 2024 तक उनके पास टेलीकॉम और IT मंत्रालय का भी प्रभार था। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। रेलवे क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार, सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। इसी तरह भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है। उन्हें ये जिम्मेदारी उनके पिछले कामों को देखते हुए दी गई है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर देश के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा था। साथ ही जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच कई नए कामों की शुरुआत भी की थी। इनमें बड़ी संख्या में वेटलैंड का संरक्षण और देश से विलुप्त हो चुके चीतों के पुनर्वास की शुरुआत करना भी शामिल है। सारे विषयों का एक रोड मैप बना है और उस रोड मैप के आधार पर हम लोग काम करेंगे। इंडिया बिग कैट अलायंस CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और LED IT लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है
ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दुनिया में पर्यावरणीय विषयों को लेकर के जो एक्शन प्रोग्राम है, विजन प्रोग्राम है, उसको लेकर के बनाए हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत इन सब विषयों पे आगे कार्य कर। दूसरे कार्यकाल में बेहतरीन कार्य करने वाले मंत्रियों पर सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री का ये मंत्रिमंडल दिखाता है कि वो नीतियों से निरंतरता रखना चाहते हैं। ऐसे में इन मंत्रियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। इस कार्यकाल के दौरान भी बेहतरीन कार्य की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।